नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर में जो रिसेंटली डंप आया है, इसके पीछे क्या अपडेट्स हैं, क्यों यहां पे इतना ज़्यादा डाउनफॉल आपको देखने को मिलना मार्केट में स्टार्ट हो गया है, इसी को लेकर हम डिटेल वाइज बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी फ्रेंड के साथ। और चैनल को तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करता आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम पर जो मैं नहीं करता आप कर सकते हैं, क्रिप्टो मार्केट को लेकर कॉल्स रहेगी, अपडेट्स रहेंगे, हिंट रहेंगे या फिर कोई लेटेस्ट अपडेट्स रहेगी जो कि मुझे आपको शेयर करनी रहेगी, बताना रहेगा, तो मैं बहुत पहले टेलीग्राम अपडेट कर दूंगा। तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाते हैं या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके आप सर्च कर सकते हो क्रिप्टो हिंदुस्तान, तब भी आपको चैनल मिल जाता है। और ये बिल्कुल फ्री होता है, इसकी कोई फीस नहीं होती, कोई चार्जेस नहीं होते, तो मेक श्योर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको यहीं पर मिल जाते हैं। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ड्रॉप्स टैब होगी या फिर जितने भी कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट वगैरह होगी, तो सभी जगह पे आपको देखने को मिलेगा क्रिप्टो मार्केट में जो डंप है, लगभग 8 से 7% यहाँ पे डंप हुआ है, जिसमें से BTC का प्राइस देखोगे तो लगभग 8% तक सुबह डंप था, जो करंटली 7% के आसपास इस समय देखने आपको मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इथेरियम को, तो इथेरियम का प्राइस लगभग जो है आप देख सकते हैं $3700 के आसपास आ चुका है, जो कि $4000 के आसपास था। अब यानी मोस्टली कॉइन के अंदर में प्राइस जो है फ्लक्चुएशन कर रहा है, जिसमें से डॉज कॉइन का प्राइस जो कल ग्रेड में रिकवर हुआ था, जो लोन की वजह से पंप हुआ था, वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं डंप होना स्टार्ट कर गया। फिर अगर आप देखोगे इस समय CFX हो गया जो कि कॉन्फ्लेक्स हो जाता है, या फिर सोल हो गया, फैक्ट हो गया, इन्हीं के अंदर में थोड़ा सा आपको रिकवरिंग देखने को मिलेगी, बाकी मोस्टली प्रोजेक्ट इस समय डंप में चल रहे हैं। अब इसके पीछे क्या हुआ, क्यों यहाँ पर डंप आया, इसको लेकर थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि इस समय अगर आप इंटरनेट पर वीडियो सर्च करोगे तो मोस्टली लोग यही बात करेंगे कि इस समय मार्केट में डंप आ रहा है वो इंडिया की वजह से आ रहा है। तो मैंने जब यहाँ पे इन चीज़ों को चेक करा, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो जितने भी इस समय अपडेट्स आई हैं, हर एक अपडेट्स को मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक तो फर्स्ट अपडेट आती है जो इंडिया की, जैसे इंडिया की बात चल रही है, इंडिया की वजह से डंप आया, तो ऐसा नहीं है, ये अपडेट पहले ही आ गई थी। यानी अगर आप देखोगे तो 13 तारीख की अपडेट आई है, इस अपडेट के अंदर में बात चल रही है कि जो पहले का रेगुलेशन का मार्केट था वो अब नहीं रहेगा, अब इंस्टेंटली जो है आपको इस पर काम करना होगा, क्योंकि इस समय मोस्टली इन्वेस्टर जो है मूव कर रहे हैं क्रिप्टो की तरफ। जैसे आप देख सकते हैं इस समय कि जो यूज़र्स हैं वो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं अब क्रिप्टो की तरफ मूव कर रहे हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो या फिर कहीं और भी, अगर किसी का पैसा लगा हुआ तो लोग वहाँ से भी निकाल के इसमें पैसा फंसा रहे हैं। रीज़न क्या है कि इसमें पैसा लगाने के बाद बहुत जल्दी रिटर्न आ रहा है। अब इस चीज़ के बाद अगर आप देखोगे तो एक तो आपका जो ऑलरेडी ETF वाला सीन था वो कहीं ना कहीं मार्केट को लेकर बुलिश कर रहा है, फिर साथ में इस समय एक और अपडेट आती है कि फिलहाल अब चाइना भी जो है बहुत जल्दी एक अपना ETF लाने वाला है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट को भी बहुत जल्दी इस पर एक्शन लेना चाहिए। इसी को देखते हुए जो SEBI के आप कहते हो एक मेंबर हैं जिन्होंने इस चीज़ को लेकर बात करी, और उन्होंने कहा कि इस पर बहुत जल्दी अब एक्शन लेना रहेगा, जिससे कि कहीं ना कहीं कुछ गलत जो बंदे हैं या फिर कुछ लोगों के जो पॉइंट गलत हैं उनको क्लियर किया जा सके। यानी सिंपल सी भाषा में इन्होंने यही कहा कि अब जो पहले वाला सीन था कि धीरे धीरे करने वाला सीन, वैसा वाला टाइम चला गया है, अब ऑन द स्पॉट ही हमें एक्शन लेना रहेगा और इंस्टेंटली इस पर जो है रेगुलेशन करना होगा। तो इस पर कोई डंप वाला अपडेट नहीं था, ये नॉर्मल अपडेट था, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। अब इसके साथ में अगर आप देखोगे तो जो मार्केट जो डंप हुआ है ये सिर्फ दोस्तों आप कह दोगे कि नॉर्मल जो है मेन जो फंडा है वेल्स का है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉइन टेलीग्राफ पर ये भी पोस्ट पड़ी है, रीड कर सकते हो आप जाके। बिटकॉइन का प्राइस सडनली जो है लगभग 7% से 9% तक रात को डंप हुआ। अगर आप डाटा देखोगे तो US के अंदर में बहुत ज़्यादा लोगों ने सेल करा। अब इसमें अगर आप देखोगे तो लगभग जो ऑलमोस्ट $660 मिलियन के आसपास का जो फंड था लोगों का लिक्विडेट हो गया, यानी मतलब कि उनका पैसा लॉस हो गया। लॉस कहाँ पे हो गया, उन्होंने फ्यूचर में पैसा फंसाया था, तो फ्यूचर के अंदर में जो ट्रेड्स ओपन हुई थी जो कि आप देख सकते हैं, तो लगभग जो है आप कह सकते हो 2 लाख ट्रेडर जो है ऑलमोस्ट 24 घंटों के अंदर में लगभग $661 मिलियन के आसपास खो चुके हैं, जिन्होंने यहाँ पे इस एवरेज के अंदर में आते आते टूट गए। जैसे जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन अपनी ओपन कर रखी होगी लॉन्ग के लिए, जब उनको एक साथ यहाँ तक डंप करा गया तो लगभग जो है बहुत लोग लिक्विड हो गए। और इसमें मार्केट ने साफ उन लोगों को करा जो लोग बड़ा यहाँ पे वो लेते हैं, यानी रिस्क ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि कोई बंदा 50x पे चलता है, कोई 100x तक लेवरेज ले लेता है, तो वो लेवरेज जो लेते हैं हाई, तो उन लोगों को साफ कर दिया गया रात में, जो कि आप देख रहे हो इस समय। और 80% लोग, मेजोरिटी अगर आप देखोगे सब लोग यहाँ पर लिक्विड रहे हैं लॉन्ग पोजीशन वाले। और अब अगर अंदाज़ा लगाओगे तो बहुत बड़ी बात है कि यहाँ तक ओपन हुआ। अब इनमें से लगभग शॉर्ट जो जिन्होंने ओपन कर रखे थे उन लोगों ने लगभग $136 मिलियन के आसपास, उनको भी थोड़ा दिक्कत हुआ क्योंकि पंप नंबर बीच में करवाया गया था। तो ये जो सारा कुछ चल रहा है ये वेल्स के द्वारा और आप कह दो कि एक्सचेंजेस के ऑनर के द्वारा चलता है, ये लोग मिलजुल के काम करते हैं, जिसमें एक साथ यहाँ पर बेचा गया। सडनली अगर आप देखोगे तो वेल्स ने बेचा है, तो ये मार्केट में इस समय चीज़ें देखने मिलती हैं। तो फिलहाल जो है ये वेल्स को लेकर, जो वेल्स टारगेट करते हैं वो ऐसे इन्वेस्टर को टारगेट कर रहे थे जो लोग इस समय आप कह दो कि बुलिश हैं,
और फ्यूचर में पैसा बनाना चाह रहे थे वही लोग इस समय लूटे गए हैं। तो हम जब जो स्पॉट ट्रेडर्स हैं हमें उतना इससे कोई दिक्कत नहीं रहेगा, मार्केट जो डंप हुआ है कोई दिक्कत नहीं, फिर से यहाँ पे धूल चाट के गैन पंप हो जाएगा, तो इसमें कोई बड़ा फर्क नहीं रहना चाहिए। तो इस अपडेट को उतना ज़्यादा दिक्कत मेरे हिसाब से तो आप सबको नहीं रहनी चाहिए, कोई और अपडेट आएगी तो डेफिनेटली मैं आपको कवर करूँगा। फिलहाल इंडिया से जो अपडेट्स आई हुई मैंने आपको कवर कर दी है कि फिलहाल वो भी कोई बैड अपडेट नहीं है, वो रेगुलेशन को लेकर ही है, जो कि हम सब बहुत में से वेट भी कर रहे हैं कि रेगुलेशन भी आ जाए, क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं या फिर जो लोग गलत काम कर रहे हैं उन लोगों को तो गवर्नमेंट को हमेशा से सूद के रखना चाहिए, यानी उनको तो हमेशा से जो है पकड़ने चाहिए। बाकी जो लोग हमारे जैसे नॉर्मल ट्रेडर्स हैं उनको तो मेरे हिसाब से ना रेगुलेशन से दिक्कत आने वाली ना यहाँ पे कुछ दिक्कत आने वाली है। तो मेक श्योर है कि आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी अपडेट्स बराबर आपको मिलेंगी, कॉल्स मिलेंगे, तो ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करोगे क्रिप्टो हिंदुस्तान तब भी आपको चैनल मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको यहीं पर मिल जाते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर।